हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HGK न्यूज नॉलेज में। मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत सरकार से कांग्रेस घोषणा पत्र में किए गए वादों का हिसाब पूरा मांग लिया है। शनिवार दोपहर बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री तामसद साहू और सांसद अमर सिंह गहलोत मंत्री परिषद के साथ बैठक करेंगे और घोषणा पत्र पर अब तक किए गए पूरे काम का रिव्यू करेंगे। दोनों नेता बैठक लेने जयपुर पहुँच चुके हैं। तामसद साहू की अध्यक्षता वाली कमेटी की यह दूसरी बैठक होगी। पिछले साल 25 सितंबर को इस कमेटी की बैठक हुई थी। तामसद साहू ने जयपुर पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, सोनिया गांधी के आदेश पर आज दोबारा घोषणा पत्र कमेटी की बैठक लेने आया हूं। राजस्थान सरकार ने कांग्रेस घोषणा पत्र पर किए गए काम किया है, इसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू के बाद हर बात हम आला कलाम को रिपोर्ट देते हैं, इस बार भी आला कमाम को रिपोर्ट ही देंगे। ताम्रध्वज साहू कांग्रेस घोषणा पत्र पर हुए काम का रिव्यू करने के बाद इसकी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को देंगे। आज की बैठक की तैयारी कई दिनों पहले शुरू हो गई थी। गहलोत सरकार ने 2.5 साल में कांग्रेस घोषणा पत्र में जनता के किए गए वादों में 64% पर काम करने का पूरा वादा किया है और दावे के मुताबिक 28% घोषणा पत्रों पर अभी काम जारी है, जबकि 8% घोषणा पत्र पर काम बाकी बताया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहेगा हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज के साथ।